की चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कटघरों से सबूतों से सच ही खिले, सच की लेकिन गवाही जो धरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है, इसलिए चाहे मरूंगा सच को ही सजदा करूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। अंडरवर्ल्ड डॉन अली सलीम ने मशहूर फिल्म निर्देशक रघुन मंदारकर को जान से मारने की धमकी दी है। रघुन मंदारकर आजकल एक फिल्म गुनहगार बना रहे हैं और अली सलीम का कहना है कि ये फिल्म उनके जीवन पर आधारित है और उनके जीवन की सही तस्वीर पेश नहीं करती। अरे भड़को नहीं तो और क्या करो, उसको लाख समझाया था कि फिल्म में हमारे बारे में अनाप शनाप बातें मत दिखा, लेकिन वो नहीं सुना। अब भेजे में गोली लगेगी तो सब अपने आप समझ में आएगा। चलते हैं अपनी संवाददाता श्वेता घई के पास। तो श्वेता, क्या इस बारे में आपकी रघु मंदारकर से कोई बात हुई है? जी नहीं, रघु मंदारकर इस वक्त डबिंग स्टूडियो में हैं और फिल्म के निर्माता रमेश मथाने भी उनके साथ हैं। मीडिया को इस बात का पता चल चुका है और सभी को उनके बाहर आने का बेसब्री से इंतजार है। मिस्टर मंदारकर, क्या आप अली सलीम की धमकियों से डरे हुए हैं? देखिए, अगर मैं धमकियों से डरता तो जिंदगी में शायद कोई फिल्म नहीं बना पाता। क्या ये सच है आपके और अली सलीम के बीच में दोस्ताना संबंध है? आपका कोई दोस्त आपको जान से मारने की धमकी देता है क्या? अली सलीम का दावा है कि आपकी फिल्म उनके जीवन पर आधारित है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी फिल्म एक काल्पनिक वायलेंट लव स्टोरी, इसका मुख्य किरदार एक अपराधी है। अगर किसी को ये लगता है कि उसकी जिंदगी की आप बीती है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, किसी को सोच को हम रोक नहीं सकते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि हमारी सोच को रोका ना जाए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार सबको मिलना चाहिए एंड आई थिंक इट्स एनफ। और किसी को कुछ पूछना है? मुझे। लेकिन मैं इनसे कुछ पूछना नहीं बल्कि बताना चाहते। आप कौन हैं? मेरा नाम पिंकी सेन है और मैं इनकी फिल्म में एक छोटा सा किरदार कर रही हूँ। क्या जानती हैं आप इन धमकियों के बारे में? कुछ नहीं, लेकिन जो कुछ जानती हूँ वो उन धमकियों से भी ज्यादा सनसनी केस है। मैं इस डायरेक्टर का असली चेहरा जानती हूँ। ये है इस इंसान का घिनौना चेहरा, देखिए। पिंकी, प्लीज स्टॉप दिस, ये क्या बेहुदा हरकत है? चलो तुम। बेहुदगी ये नहीं, बेहुदगी वो है जो इसने मेरे साथ की है। और आप अभी भी इसी का साथ दे रहे हैं। पिंकी प्लीज, यहाँ तमाशा मत खड़ा करो, तुम जाओ यहाँ से। पिंकी, क्या आप हमें बताएंगी कि आपने ऐसा क्यों किया? इस डायरेक्टर ने मुझे अपनी फिल्म में लीड हीरोइन का झांसा देकर मुझे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है। यानी कास्टिंग काउच? ऑल रबिश। आप जो चाहे इसे कह सकते हैं कि इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मिस्टर मंदारकर, आप क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स। चार दीवारी के अंदर अंधेरे में दुनिया जहां के सपने दिखाकर किसी की इज्जत के साथ खेला तो क्या खेला? इसे कहते सबके सामने पब्लिक में रेप करना। हम आए थे यहाँ जानने डॉन और डायरेक्टर की कहानी, लेकिन यहाँ तो किसी नई कहानी ने ही जन्म ले लिया, कहानी कास्टिंग काउच की। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन मनीष खन्ना के साथ मैं श्वेता घई, न्यूज 24 के लिए। मंदारकर जैसे लोगों को तो बाइक और गोली मार देनी चाहिए, और साथ में उस लड़की को भी। क्यों?
क्योंकि उसे हल्ला तब मचाना चाहिए था जब मंदारकर ने उसे पहली बार एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। सांप को डसने के बाद नहीं, पहले ही कुचलना चाहिए। कह तो आप सही रही है। अब आपको क्या लगता है वो क्या करेगी? कुछ भी कर सकती है, घायल है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, हमारे पास पहले भी ऐसे केसेस आए और लड़की कोर्ट में जाकर अपने बयान से मुकर गई, क्योंकि ये सब पब्लिसिटी के लिए किया गया एक ड्रामा था। जी नहीं, मैं ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रही, मुझे जस्टिस चाहिए। गुड। यादव। यस सर। रिपोर्ट लिखो मैडम की। ओके सर, आइए मैडम। चलिए। रघु मंदारकर। उस डायरेक्टर का क्या हुआ जिसका दंड करना था? भाई वो बहुत लेट आया और पुलिस भी बहुत थी उधर। ओ, तो तुम पुलिस से डरते हो और भाई बनने चले थे हैं? अरे अगर वो फिल्म बन गई ना तो सारी दुनिया में हमारा मजाक बन जाएगा और हमारे आदमी कहते हैं कि हम ताली बजाएंगे। अब जाओ और जाकर उसका किस्सा तमाम कर दो। जाओ। पिंकी, अंदर आओ। कर ली तुमने अपने दिल की, और क्या करती? हेलो मैडम, रघु ने आपको हीरोइन का रोल भी नहीं दिया और ऐसे ही आपके साथ। खैर मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, आज मेरे लिए थोड़ा वक्त निकाल सके। कैन यू प्लीज शट अप। हेलो। हाय पिंकी, दिस इज मनीष सेठी। जी कहिए। मैं कह रहा था कि जो आपने रघु मंदारकर के साथ किया उसके बाद तो आपका खर्चा पानी उठाने से रहा। आपको इससे मतलब? नहीं, मैं कह रहा था कि अगर आपको कभी पैसे की जरूरत हो so you can call me on this number. Oh, shut up! I've seen you on TV. You're quite hot, babe. You rascal! देखा ना, बिना सोचे समझे कदम उठाने का नतीजा क्या निकलता है। अली सलीम की प्रॉब्लम क्या कम थी और तुमने जो बखेड़ा खड़ा कर दिया, पता नहीं मेरी पिक्चर रिलीज भी हो पाएगी कि नहीं। I'm really sorry sir, लेकिन मैं क्या करती? चलो अब जो हो चुका है उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। देखो पहला काम तो तुम ये करो कि अपना फोन बंद कर दो। देखो अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सिर्फ अपने दिमाग को ठंडा रखो, किसी से कोई बात नहीं करो, मंदारकर से भी नहीं और प्रेस वालों से तो बिल्कुल नहीं। ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम को तमाशा बनाकर पेश करेंगे, जख्म पर मरहम नहीं लगाएंगे, उसे दिखा दिखा कर अपनी खबर बेचेंगे, जैसे चाट वाला नींबू निचोड़ कर अपनी चाट बेचता है, जिसकी जितनी चाट चटपटी उतनी उसकी कमाई। तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं नहीं चाहूंगा कि लोग तुम्हें नींबू की तरह इस्तेमाल करें और फिर निचोड़ कर फेंक दें। कल पे क्रिकेट मैच होगा, धोनी छह छक्के मार देगा तो ये लोग तुम्हें भूल जाएंगे। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? जी। तुम सिर्फ अपने दिमाग को ठंडा रखो, मैं इसका कुछ ना कुछ हल निकालूंगा और फिर हो सकता है हमारी फिल्म रिलीज हो जाए, है ना? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। सर मिस्टर मंदारकर तो घर पर नहीं है। कहां है आपके पति? मैं नहीं जानती। आप उनकी बीवी हैं और आप नहीं जानती कि आपके पति कहां है? क्या आपकी बीवी जानती है कि इस वक्त आप कहां हैं? बिल्कुल, मैं काम पर हूं। वैसे ही मेरे पति भी काम पर ही है।
आपके पति की फिल्म में एक छोटा सा रोल कर रही है एक लड़की, पिंकी सेन नाम की, जानती हैं आप उसे? देखिए, मेरे पति की फिल्मों में कई सारी लड़कियां कई सारे रोल्स करती हैं, मैं सबको नहीं जानती। ठीक है, आपके पति आए तो उनसे कहिए कि आके पुलिस स्टेशन में मिले, उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट। अगर आएंगे तो बता दूंगी। चलो। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। मैंने जो दो नंबर कहा था इंटरसेप्ट करने के लिए कर रहे हो? कोई इन्फॉर्मेशन? ठीक है। मंदारकर यहाँ भी नहीं मिला, कहाँ हो सकता हूँ? डोंट वरी सर, कब तक भागेगा? सर, वायलेंस से अभी अभी खबर आई है कि मंदारकर कमाल स्टूडियो में छुपा हुआ है। कमाल स्टूडियो? हाँ जी। कमल स्टूडियो तो यही है। यस सर। मंदारकर यहीं कहीं छुपा होगा, ढूंढो उसे। यस सर। यादव इधर देखो। यस। सर इधर कोई नहीं है। सर इधर तो कोई नहीं है। अरे जाके देखो, होगा यहीं कहीं, जाओ। रघु, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस तुरंत, तुरंत। रघु, ये तो किसी लड़की के बाल लगते हैं। सर वहां से मोबाइल मिला। तीन मिस कॉल सर, एक मैसेज भी है। आई एम कमिंग इन 20 मिनट्स, विल सेटल एवरीथिंग, पिंकी सेन। पता करो पिंकी सेन कहां। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। मैंने कहीं पढ़ा था कि महत्वाकांक्षा का पौधा क्रूरता की जमीन पर पनपता है, लेकिन इस लड़की ने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। मुंबई में सालों साल धक्के खाने के बाद एक दिन किस्मत से इस लड़की को रघुर बंदारकर की फिल्म में एक छोटा सा रोल मिला, लेकिन इन्हें तो हीरोइन बनना था, इसलिए इन्होंने रघुर बंदारकर पर डोरे डालना शुरू कर दिए। क्या बात नहीं बनी तो इन्होंने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैंने उसे कभी ब्लैकमेल नहीं किया। इतना ही नहीं योर ऑनर, जब बात यहां भी नहीं बनी तो इस लड़की ने मीडिया का सहारा लिया और रघुर के मुंह पर कालिख पोंछ दी। साथ साथ पुलिस में रघुर के खिलाफ इनसे जबरदस्ती करने का केस भी दर्ज कर दिया। इसके बाद ये सौदेबाजी करने रघुर के पास पहुंची। रघुर बंदारकर जो कभी अंडरवर्ल्ड से नहीं डरता था, इनसे क्या डरता, और इसीलिए गुस्से में आकर इस लड़की ने रघुर बंदारकर को जहर पिलाकर मार दिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो उसे मिली भी नहीं। योर ऑनर, केस बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, और इसीलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इस लड़की पिंकी सेन पर कोई रियायत ना बरती जाए और इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मिस पिंकी सेन, आपका कोई वकील है? जी नहीं जज साहब, मेरे पास वकील करने के लिए पैसे नहीं है। अगर आप चाहें तो अदालत अपने खर्चे पर आपको वकील मुहैया करा सकती है। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप कौन हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं पिंकी सेन का शुभचिंतक हूं और उनके वकील का खर्चा उठाने को तैयार। मिस पिंकी सेन, क्या आप इनकी मदद लेना चाहेंगे? जी जज साहब। आप अपने वकील से कागजी कार्रवाई पूरी करवा सकती हैं। जी तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा वकील करूंगा। सर, जब आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं तो एक और मदद कर दीजिए। बोलो।
आप प्लीज किसी तरह उज्ज्वला रावत को मेरा केस लड़ने के लिए कन्विंस कर लीजिए। मैंने उनका बहुत नाम सुना है, वो मुझे इंसाफ दिलवाने में जरूर कामयाब होंगे। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, उससे बात करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप सिर्फ यहाँ साइन कर दीजिए। लीजिए, अब पिंकी का भविष्य आपके हाथ होंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं पिंकी से मिलकर सारी जानकारी ले लूंगी। थैंक यू। हमें इस केस के सभी पहलुओं पर एक साथ काम करना पड़ेगा। जरा फते जी और श्वेता को कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लो। हेलो। हाय, ईशा बोल रही हूँ। हाँ बोलो। एक नया केस है, मैम तुझसे बात करना चाहती हैं, और जरा होल्ड पर रखना, मैं फतेह जी को भी कॉन्फ्रेंस में ले रही हूँ। हेलो सर जी। यार सर जी। हेलो, ईशा बोल रही हूँ, मैम को फतेह जी से बात करनी है। सर जी तो बहुत बिजी हैं, कोई जरूरी गल है क्या? हाँ, एक नया केस आया है, मैम को बात करनी है। नया केस? नया केस? नया केस? ये नया केस चंगा तो आएगा ना? चंगा जी? मतलब? चंगा मतलब किसी सॉलिड पार्टी का है या फिर किसी गरीब का केस उठा लाए। ये तो आपको मैम ही बताएंगी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है। ओए, किन्नी बार कहा है कि ऐसे केस मत लिया करो। स्ट्रगलिंग एक्टर, उनके पास तो खाने की भी पैसे नहीं होंगे, तो केस के पैसे कहां से आएंगे? ओए ओए, कुलविंदर कौर कहंदी सी, पैसे नक्की किए बिना काम नहीं शुरू करना चाहिए। आओ, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, केस का सारा खर्चा प्रोड्यूसर रमेश मथानी उठा रहे हैं। आप लोग ज्यादा खुश ना हो, मुझे मालूम है कि वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन मैं उससे ज्यादा पैसे नहीं लेने वाली, इसलिए आपको भी ज्यादा फीस नहीं मिलेगी, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि आप इस केस से जुड़े रहें। अब की करे, तनु तो ना कह दे, चंगा नहीं लगता है। थैंक यू। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। श्वेता, तुम भी सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ। एक्चुअली ये केस मैंने ही कवर किया था, इन्वेस्टिगेशन में अगर मैं इन्वॉल्व रहूंगी तो एक्सक्लूसिव स्टोरी बनेगी मेरी। मैंने इस केस को अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है, और आप लोगों को भी मैं केस की समरी फैक्स करवा दूंगी। एक बात तो तय है कि इस केस में हम असली कातिल को ढूंढे बिना पिंकी को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते, और ये तभी मुमकिन है जब हम प्राइम सस्पेक्ट्स पर नजर रखें। सस्पेक्ट नंबर 1, महिमा मंदारकर, रघु मंदारकर की वाइफ। उसके मरने के बाद उसके सारे रुपए पैसे जमीन जायदाद की इकलौती वारिस। हमें ये भी रिपोर्ट मिली है कि उन दोनों के रिलेशंस कभी ठीक नहीं थे। और फतेह जी, मैं चाहूंगी कि इस पर नजर आप रखें। ओए, कुलिंदर कौर दे लावा, आज तक किसी दूजी जनानी पर नजर नहीं रखी मैंने। लेकिन इस बार रखनी पाएगी, तुहानू कुलविंदर कौर दी सौं। ओए होए, अब तो नजर रखनी पाएगी कुलविंदर कौरे, सानू माफ करो। हमारा दूसरे नंबर का सस्पेक्ट है अंडरवर्ल्ड डॉन अली सलीम, जिसने खुले आम रघु बंदारकर को मारने की धमकी दी थी। सर जी, डॉन पर नजर तुम रखोगे। सर जी, मैंने अली सलीम पे नजर रखा मैं, और सर जी रखे जनानी पे नजर। मैडम, एक आधा इंसाफ है, मैंने तो मालूम भी नहीं हो रहा किथे। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो इन दिनों मुंबई में ही कहीं आसपास है।
ठीक है सर जी, तुम रहने दो। श्वेता, मेरे ख्याल से ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। कैसे भी करके पता लगाओ कि क्या अली सलीम ने ही रघु को मारा है। काम मुश्किल है, ठीक है फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं श्वेता, ये काम तुम्हें करना होगा। एक मासूम लड़की की जिंदगी का सवाल है। ओके ओके। और हाँ, हम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, हमें तुरंत काम शुरू करना होगा। बस इधर से आपका एडवांस आया, उधर से कम शुरू। चिकन टिक्का है, पार्टी चल रही है के अंदर है। पति मर गया और पार्टी चल रही है। ओ सर जी, चिकन बिरयानी कर ले आ जाओ काके। सर जी काके कर ले आ जाओ। कौन हो तुम लोग? मैडम जी हमें मत मारना वरना मर जाएंगे। हाँ मर जाएंगे, इसकी तो शादी भी नहीं हुई और मेरी भी लव मैरिज बाकी है। देखो अगर मैं तुम दोनों को मार भी दूँ ना तो भी मुझे कोई सजा नहीं कर सकता, क्योंकि चोर लुटेरों को मारना कोई जुर्म नहीं होता। आपको हम क्या चोर लुटेरे बन गए? तो फिर कौन हो तुम लोग? मैडम जी सर जी, महान जासूस फतेह सिंह फगवाड़ा और मैं इनका असिस्टेंट सर जी। जासूस? यानी तुम दोनों यहाँ जासूसी करने आए हो? किसने भेजा है तुम्हें? बोलो किसने भेजा? काके कुलविंदर कौर कहंदी सी जो डर गया वो मर गया। घर में कहाँ जा रहे हो, बाहर निकलो। मैडम जी गोली में चला रहा। और सर जी बाहर आ जाओ, समझा करो सर जी। हाँ मैं भी आऊंगा। मैडम जी गोली में चला लो, डर के मारे अंदर गए। तुम दोनों यहाँ दोबारा कभी नजर आए तो सच में गोली मार दूंगी। पट्टी खोलो। ओ, तो तुम क्राइम रिपोर्टर हो, डर नहीं लगता? लगता है कभी कभी, पर ज्यादा नहीं। पूछो क्या पूछना चाहती हो? अरे ये सारे लोग अपने ही हैं। अली सलीम जो भी कहता है या करता है सबके सामने सवाल पूछो। रघु मंदारकर को किसने मारा? मैंने नहीं मारा। लेकिन अरे वो तो किस्मत वाला था जो बड़ी आसान मौत मर गया, वरना उसे तो मैं कुत्ते की मौत मानता। और कुछ जानना चाहती हो? नहीं बस इतना ही पूछना था। इतना ही काफी है किसी की जान बचाने के लिए। थैंक्स, आपने अपना वक्त दिया। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट को पुलिस ने सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार किया है, ना तो उनके पास कोई सबूत है और ना ही कोई चश्मदीद गवाह। यहाँ तक कि मौका वारदात पर भी उसके होने तक का इनके पास कोई सबूत नहीं है। योर ऑनर, लगता है कि इस बार डिफेंस लॉयर अपना होमवर्क ठीक करके नहीं आई है, वरना ऐसी बेतुकी बातें नहीं करती। इनकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैं कुछ सबूत और कुछ गवाह अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहूँगा। You may proceed. मेरे सबसे पहले गवाह है पैथोलॉजिस्ट मिस्टर रामनाथ सहाय। सहाय, आप अदालत को यह बताइए कि रघुर भंडारकर की मौत कैसे? जहर से।
और कोई खास बात? जी हाँ, उनकी शर्ट की बटन पर कुछ लंबे बाल लिपटे हुए पाए गए थे। लंबे बाल? कुछ पता चला कि वो बाल किसके थे? जी हाँ। कुछ पता चला कि वो बाल किसके थे? जी हाँ, डीएनए एनालिसिस से पता चलता है कि वो बाल पिंकी सेन के थे। अब भी हमारी डिफेंस लॉयर ये कह रही हैं कि पिंकी सेन मौका वारदात पर थी नहीं। अगर वो थी नहीं माय योर ऑनर, तो ये लंबे बाल रघुर बंदारकर की कमीज के बटन पर कैसे आए? बात बिल्कुल साफ है योर ऑनर, पिंकी सेन ने बड़ी चालाकी से रघुर बंदारकर की शराब में जहर मिला दिया। जब रघुर को इस बात का पता चला तो उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश की, और इसी हाथापाई में पिंकी सेन के लंबे बाल उनकी कमीज के बटन में फंस गए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। अगर आप चाहें तो मिस्टर सहाय को क्रॉस एग्जामिन कर सकती हैं। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर सहाय, क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि रघु के बटन पर जो बाल मिले वो पिंकी के ही थे? ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, डीएनए रिपोर्ट के सामने आई। अच्छा, एक बात और बताइए, जब बालू का डीएनए टेस्ट कराया गया तब रघु की मौत को कितना वक्त हो चुका था? यही कोई लगभग 12 घंटे। क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे ये पता लगाया जा सके कि बालू को शरीर से अलग हुए कितना वक्त हो चुका है? मैं इसे आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे बाल डेड सेल्स के बने होते हैं, इसीलिए जब हम काटते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम इसे नोच कर निकालते हैं तो हमें दर्द होता है, क्योंकि ये हमारी त्वचा में घुसे हुए होते हैं। इसीलिए बालों को जब हम नोच कर शरीर से अलग करते हैं तो बालों की जड़ों में सफ़ेद पदार्थ होता है जो हमारी त्वचा होती है। इसीलिए त्वचा की अवस्था के जरिए हम ये बता सकते हैं कि बालों को शरीर से निकाले हुए कितना वक्त हुआ। तो क्या मौकाए वारदात पर मिले बालों को टेस्ट करने से पहले आपने नोट किया था कि उन्हें पिंकी के शरीर से अलग हुए कितना समय हुआ है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है योर ऑनर कि वकील साहब आप बाल की खाल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि सबूत बाल में नहीं बाल की खाल में है। तो बताइए मिस्टर सहाय, बालों को शरीर से अलग हुए कितना समय हुआ था? जी 72 घंटे। आप मेरी रिपोर्ट को गौर से देखेंगे तो चौथे पन्ने की तीसरे पैरा पर ये बात साफ साफ लिखी थी। लेकिन लगता है कि मिस्टर गैरोल अपना होमवर्क करते समय इस बात को भूल गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि केस में सबूत से ज्यादा चीखना चिल्लाना मायने रखता है। योर ऑनर, ये मेरा मजाक उड़ा रही हैं। कंट्रोल सर, आप फिर चिल्ला रहे हैं। साइलेंस प्लीज। योर ऑनर, डीएनए टेस्ट के वक्त रघु मंदारकर को मरे हुए 12 घंटे हुए थे, जबकि उसकी शर्ट के बटन में फंसे पिंकी के बालों को शरीर से अलग हुए 72 घंटे बीत चुके थे। मामला साफ है कि किसी ने पिंकी के बालों को जानबूझकर बटन में फंसाया है। अब कहना क्या चाहती हैं? यही जो आप समझना नहीं चाहते, यही कि पिंकी को जानबूझकर सोच समझकर इस आरोप में फंसाया जा रहा है। योर ऑनर, मिस उज्ज्वला चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मेरे अगले गवाह और मेरे सबूत सच्चाई को अपने आप आपके सामने पेश करेंगे। योर ऑनर, रघु मंदारकर को लगातार अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही थी, इसलिए हमने कुछ सस्पेक्ट नंबर्स को इंटरसेप्ट करना शुरू किया, और पिंकी सेन के मंदारकर के खिलाफ कंप्लेंट करने के बाद हमने इनके नंबर को भी इंटरसेप्ट करना शुरू किया, और हमें उससे पता चला कि वारदात से ठीक पहले इन्होंने मंदारकर को 3 बार फोन किया था और मंदारकर ने उन्हें रिसीव नहीं किए थे। फिर इन्होंने उन्हें एक SMS भेजा कि मैं 20 मिनट में मिलने आ रही हूँ, और ये बातें मंदारकर के मोबाइल से भी साबित होती है। इस बीच हमें सूचना मिली कि मंदारकर गोरेगांव में बंद पड़े कमल स्टूडियो में छिपा हुआ है। हमने वहाँ रेड किया, मगर तब तक मंदारकर को जहर दिया जा चुका था, और ये पिंकी सेन वहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि मोबाइल इंटरसेप्ट रिपोर्ट और SMS दोनों यही बात को साबित करते हैं। मैं वहाँ कभी नहीं गई। तो फिर आप थी कहाँ? मैं घर पे थी और मेरा मोबाइल बंद था। तो क्या ये SMS रिपोर्ट और ये फोन इंटरसेप्ट रिपोर्ट गलत है? मिस पिंकी सेन, आप लोगों को, अदालत को, यहां तक कि अपनी वकील को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
मैं सच बोल रही हूँ जज साहब, और उस वक्त मथानी सर ने मुझे खुद घर पे छोड़ा था। लेकिन उसके बाद आप घर से बाहर नहीं निकली, ये तो साबित नहीं होता है ना मिस पिंकी सेन। ये रोने का नाटक बंद करिए आप, और अदालत का वक्त जाया मत करिए। That's all. आज की कार्रवाई यहीं समाप्त होती है, इस केस की सुनवाई कल जारी रहेगी। इस केस में सबसे बड़ा सबूत वो जहर है जिससे मंदारकर की मौत हुई, क्यों फतेह जी? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कातिल जिस चीज जिस जहर लेके आया है, या तो वो अपने नाल ले गया या तो उसने कहीं और फेंक दिया। हमने उस गोडाउन का चप्पा चप्पा तक छान मारा, वो तो कोई भी क्लू नहीं मिला। उसे तो महिमा दे फिंगरप्रिंट भी नहीं मिले। वैसे इस रिपोर्ट में एक और चीज भी है जिसका जहर में होना कोई तुक नहीं रखता। वो क्या? जहर मिली शराब में कुछ रंगीन सब्सटेंस के ट्रेसेस भी मिले हैं, और इनका केमिकल फॉर्मेशन ऐसा है जैसे लिखने वाली स्याही का होता है। अब समझ नहीं आ रहा कि ग्लास में जहर में स्याही थी या फिर ग्लास में पहले से ही रंगीन सब्सटेंस थे। जहर देखकर मारना तो धोखे से मारना हुआ, और धोखा कोई करीबी ही देता है, जैसे कि महिमा मंदारकर। श्वेता तुम क्या कहती हो, क्या अली सलीम? नहीं उज्ज्वला, मुझे अली सलीम की बातों में सच्चाई नजर आती है। अगर वो मंदारकर को मारता तो कुछ ऐसे मारता कि उसके बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री में से कोई उससे दुश्मनी करने की जरूरत नहीं करता। हमारे पास अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं है, और समय हाथ से निकला जा रहा है। इस बार ही तो कमाल ही हो गया, लगता है पिंकी दी किस्मत ही खराब है, एक भी सबूत उसके पक्ष में नहीं है। मैंने लगता है इस बार तो यमराज जी ने पिंकी दे मौत के ऑर्डर पर खुद ही दस्तखत कर दिए। क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? ओए मैं क्या जी, वो पिंकी के पक्ष में एक भी सबूत नहीं है। उसके बाद हाँ, उसके बाद ये कहा कि भाई मैंने लगता है वो यमराज जी ने खुद ही उसकी फांसी पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत? माय गॉड, क्यों यार? आई थिंक वी हैव क्रैक्ड इट। ईशा फॉरन इंस्पेक्टर को फोन लगाओ, हमें कल सुबह किसी भी तरह कोर्ट में थोड़ा टाइम गेन करना पड़ेगा। महिमा जी, मुझे आपके पति के निधन का खेद है, लेकिन फिर भी आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आप जो सवाल पूछना चाहती हैं पूछ सकती है, मुझे मेरे पति के मरने का कोई दुख नहीं। महिमा जी आप इस वक्त अदालत में हैं, आपका ये बयान आपके खिलाफ भी जा सकता है। आप सवाल पूछेंगी? क्या ये सही है आपके और आपके पति के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे? बिल्कुल सही है। इनफैक्ट मैं तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि जल्द से जल्द मर जाए। थैंक गॉड वो मर गया। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल सच कह रही हो, वो था इसी लायक, टिपिकल फिल्मी हिपोक्रेट। वैसे इस लड़की ने मेरे पति पर जो भी इल्जाम लगाए हैं सच ही होंगे, इसने मेरे पति को मारकर कोई गलत काम नहीं किया। इस मंदारकर का भी यही मानना है कि पिंकी सेन ने उनके पति का कत्ल किया। उनको ये भी यकीन है कि इसकी वजह कास्टिंग काउच है। रघु मंदारकर ने पिंकी सेन को पहले तो एक्सप्लॉइट किया और अपनी फिल्म में लीड रोल भी नहीं दिया, इसीलिए गुस्से में आकर पिंकी सेन ने उनको मार दिया। योर ऑनर, लगता है मिस्टर गैरोला पिंकी को गुनाहगार साबित करने की जल्दबाजी में अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। इन्होंने अपना केस इस बेसिस पर प्रेजेंट किया था कि पिंकी ने रघु मंदारकर को ब्लैकमेल करने के इरादे से कास्टिंग काउच के मामले में फंसाया, और फिर कब्जे में ना आने पर उन्हें मार डाला। और अब ये आपकी इन दोनों में से कौन सी बात को अदालत सीरियसली ले मिस्टर गैरोला? थैंक यू मिसेस मंदारकर, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अभी अभी इस केस में एक नया मोड़ आया है जिससे ये साबित हो जाएगा कि पिंकी सेन ने मंदारकर का खून नहीं किया है। मैं असली कातिल को कोर्ट में पेश करने की इजाजत चाहूंगी। यू मे प्रोसीड। विनोद, क्या तुम इसे जानती हो? मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ।
ये मथानी सर के यहाँ आया जाया करता था, वहीं इससे मिली थी। ये भी मेरी तरह एक स्ट्रगलर है, लेकिन बहुत अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट है। लेकिन ये किसी का मर्डर नहीं कर सकता। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है पिंकी, खून इसने नहीं किया है, लेकिन रोल के लालच में अनजाने में कातिल की मदद इसने जरूर की है। पुलिस स्टेशन के बाहर जो तुम्हें अश्लील फोन आ रहे थे, वो यही कर रहा था। क्या? क्यों किया तुमने ऐसा? वो मथानी साहब के कहने पर। इन्होंने मुझे अपनी फिल्म में बड़ा रोल देने का वादा किया था। बदले में ये चाहते थे कि मैं 2 प्रीपेड कार्ड से पिंकी को फ़ोन करूं और उससे अश्लील बातें करूं और उसके बाद कार्ड को डिस्ट्रॉय कर दूं। मगर तुमने कार्ड्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया और पिंकी को फ़ोन करने के बाद दूसरे शहरों में अपने रिश्तेदारों से बात की और फंस गए। 150 रुपये के लालच में तुमने इनका पूरा प्लान चौपट कर दिया। जब हमने मोबाइल कंपनी से कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला कि पिंकी के फोन पर फोन करने के बाद तुमने बिहार के एक गांव में बात की। जब हमने उन नंबर्स पे बात की तो पता चला कि वो फोन तुमने किए। ये झूठ बोल रहा है। मैं जानती थी मिस्टर मथानी कि आप बिल्कुल ऐसा ही कुछ कहने वाले हैं, इसलिए सिर्फ विनोद की गवाही से आपको कातिल साबित करना मुश्किल होगा। लेकिन आपने एक सबूत और छोड़ा है और उसकी आपके पास कोई सफाई नहीं है। योर ऑनर, इस केस में सबसे अहम चीज है वो जहर जो मंदारकर को दिया गया। पुलिस को मौका वारदात पर ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिसमें वो जहर लाकर मंदारकर को दिया गया, लेकिन शराब के गिलास में जहर के साथ साथ नीले पदार्थ के कुछ ऐसे कण मिले हैं जिनका कॉम्पोजिशन सेम वैसा है जैसे लिखने वाली स्याही का होता है। वैसे तो सिर्फ इससे कातिल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था, लेकिन मथानी साहब ने पिंकी सेन का सच्चा हमदर्द बनने और खुद पर से शक हटाने के लिए पिंकी की मदद करने का ऐलान कर दिया और ओवर एक्टिंग कर गए। यही नहीं, उन्होंने मुझे भी पिंकी की बेल के कागजात मूव कराने के लिए कहा और उन पर दस्तखत भी किए। जब मेरे ऑफिस में वो दस्तखत कर रहे थे तो उनके पेन में से स्याही की जगह पानी जैसा कुछ पदार्थ निकला, फिर उन्होंने पेन झटका तो वो सही काम करने लग गया। तब तो मुझे कुछ अटपटा नहीं लगा, लेकिन कल गिलास में मिले जहर के साथ साथ स्याही और पेन में निकले पानी जैसे पदार्थ का कनेक्शन मेरे जहन में दौड़ गया। मैंने लगता है वो यमराज जी ने खुद ही उसकी बाजी पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत, और तब ये समझ आया कि मिस्टर मथानी ने अपने फाउंटेन पेन में जहर ले जाकर रघु की शराब में मिलाया है। ये क्या मन घड़त कहानी घड़ रही है आप? ये क्या मन घड़त कहानी घड़ रही हैं आप? कहानी नहीं है, हकीकत है। वो हकीकत जो इन कागजात की फोरेंसिक रिपोर्ट पेश करती है। इस पर आपने ही सिग्नेचर किए हैं मिस्टर मथानी। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ ने इस कागज की इस फोरेंसिक जांच कराई है। इसमें साफ लिखा है कि उस गिलास में मिली स्याही और इस कागज में मिली स्याही एक ही है। यही नहीं, इसमें यह भी लिखा है कि रघु की शराब में जो जहर के ट्रेसेस मिले हैं वो ट्रेसेस इन कागज पर ही हैं। ये कागज आपने ही साइन किए थे मिस्टर मथानी। क्या आप भी कोई शक रह गया है? अगर रह गया है तो बता दीजिए, बात अभी बिगड़ी नहीं है। इस बात को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। आपकी शर्ट की जेब में लगे पेन की दोबारा भी जांच कराई जा सकती है। क्यों मिस्टर मथानी, क्यों किया आपने ऐसा? इसलिए कि आपको आपकी फिल्म के इंश्योरेंस का पूरा पैसा मिल सके? जी हाँ, मेरी 3 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं और ये फिल्म रघु ने ओवर बजट कर दी है, और ऊपर से अली सलीम का डर, जिसके कारण कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर्स उसको खरीदने को तैयार नहीं। मैं वाकई दिल से चाह रहा था कि अली सलीम रघु को मार दे, क्योंकि मेरी फिल्म की जो इंश्योरेंस हुई थी उसके तहत फिल्म प्रोडक्शन के दौरान अगर कोई एक्टर या कोई टेक्नीशियन मर जाता है तो मुझे उस बीमे के तौर पर एक मोटी रकम मिलती। लेकिन रघु को ना ही अली सलीम और ना ही मैं मार पाया, और फिर मैं ऐसा आदमी भी चाहता था जिस पर आसानी से इल्ज़ाम धरा जा सके। तो मेरी नज़र
पिंकी पर पड़ी जो उस वक्त कास्टिंग कोच की शिकार हो चुकी थी। पिंकी जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकली तो मेरे कहे अनुसार विनोद ने उसे अश्लील फोन कॉल किए। मैंने पिंकी को संतापना दी और उसके हाथ से मोबाइल लेकर चुपके से उसका सिम कार्ड निकाल लिया। मुझे पता था पुलिस रघु के फोन टेप कर रही है, तो मैंने वो सिम कार्ड अपने फोन में लगाकर उसे एक दो मिस्ड कॉल दिए। फिर मैंने रघु को पिंकी के नाम से SMS किया और उसे बताया कि 20 मिनट के अंदर मैं उसके पास पहुंच रहा हूं। और पिंकी के बाल तो मैंने उसके कंधे से पहले ही ले लिए थे। फिर जब मैं गोदाम पहुंचा तो रघु को शराब ऑफर की। उसी दौरान मैंने अपने पेन से उसकी शराब में जहर डाल दिया। जब जहर के असर से उसकी आंखें बंद होने लगी, वो लड़खड़ा रहा था, तो मैंने अपनी जेब से पिंकी के बाल जो 2-3 दिन पहले मैंने उसके कंधे से लिए थे रघु की शर्ट के बटन में फंसा दिया। और वहां से आप सीधा पिंकी के पास गए और बड़ी सफाई से उसके मोबाइल फोन में सिम कार्ड वापस डाल दिया, है ना? लेकिन एक बात बताइए मिस्टर मथानी, इस पेन को अभी तक आपने अपने पास क्यों रखा हुआ? क्योंकि ये मेरा लकी पेन है, मैं अपने सारे नए कॉन्ट्रैक्ट इसी पेन से साइन करता हूं। और आपका यही लकी पेन इस बार आपके लिए अनलकी साबित हुआ। पिंकी, हमारे बीच और कोई रिश्ता हो ना हो, दर्द का रिश्ता तो जरूर है। हम दोनों को एक ही इंसान ने धोखा दिया था। एनीवेज, मैं एक फिल्म बना रही हूँ, क्या तुम उस फिल्म में काम करना चाहोगी? श्योर, व्हाई नॉट, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार। लो भाई, अंध भला तो सब भला, तुम तो फेमस हो गई। अरे अंध कैसा, साढ़े वसूल का क्या होगा? वसूल नहीं फते सिंह जी, उसूल। मैं उसूल नहीं वसूल की बात कर रहा हूँ, वो मथानी तो अंदर चला गया, साढ़े वसूल का क्या होगा, पह का क्या होगा? वो आपकी फीस, डोंट वरी, मैं दे देती हूँ। छोटो जी, फीस भी छोटो, तुझसे हो सके तो छोटा सा कम कर दो। क्या? ये साडा मुंडा है जी, काका, इसकी वड्डी तमन्ना है किसी फिल्म विलम में काम करने की। ये तुझी शक्ल पे मत जाओ, काका वड्डा टैलेंटर है जी। काके, तू वो डांस स्टेप दिखा नया वाला, वो जो रंधा मारने वाला, ये एलर्जी, ये एलर्जी, ये एलर्जी।